आके फूट गई। देखो दूसरे के बच्चे दूसरे के ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं, और यहाँ तो आजकल क्या क्या नहीं हो रहा दुनिया में सबको मालूम है। ये बच्ची तो भी छोटी है, बच्ची को तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि वो आदमी उसे कैसे टच कर रहा है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची के साथ हुआ। दोस्तों गुलाम आजम को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, इनका कहना है कि गुलाम अजहर जो है वो बेगुनाह इंसान है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। और इस बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, गुलाम अजहर जो कि अभी इस समय पाकिस्तान में हैं और उनके जो बच्चे हैं वो सीमा अजहर के पास में इंडिया में है, लेकिन अभी तक सीमा अजहर ने उनके बच्चों को वापस नहीं किया है। वो अपने बच्चों को लेकर अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जितनी जल्दी हमें परमिशन मिलेगा तो उतनी ही जल्दी हम इंडिया में आएंगे और अपने बच्चों को वापस लेकर जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बहुत खास अपडेट जानने को मिलेगा जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और जितने भी गुलाम अजहर को लोग सपोर्ट करने वाले हैं आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। सचिन मीना जी हैं, बच्ची को लेकर कितनी बेहूदगी तरीके से, 10 साल की बच्ची है, आप उसको गोदी में बिठाए के कुछ काम गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है कितना गंदा मूवमेंट है, आप लोग कुछ समझ सकते हो। इस औरत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी बेटी को, देखो क्या होता है मैं आपको एक बताऊं, चाहे सगा बाप हो, देखो कोई भी हो, एक एज के बाद बच्चियां होती हैं तो थोड़ा सा गैप होकर चलना बहुत जरूरी है, और ये माँ को समझ में आना चाहिए। आज जैसे घर में फादर है हमारे, तो अपन ऐसा नहीं है कि जाके उनके पास बैठ के बिल्कुल टच होकर बैठ रहा हूँ, सब एक मर्यादा होती है, जो मर्यादा हर लड़की हर औरत मेंटेन करके चलती है कि ये हमारा भाई है तो ये हमारे पापा है ना, हर रिश्ते में जो चाचा है जो ताऊ है तो उनके साथ एक मर्यादा में बैठा जाता है ना। और यहाँ पर जो सचिन मीना कर रहा है, क्योंकि सचिन मीना जो है वो सीमा से आधी उम्र का है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, और जो बच्ची है आज सचिन मीना ऐसा लगता है कि 22-23 साल का हुआ, बच्ची कितने साल की, 10 साल की है ना। तो आप बता दीजिए कि एज डिफरेंस इतना कुछ है नहीं, और देखो दूसरे के बच्चे दूसरे के ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं, और यहाँ तो आजकल क्या क्या नहीं हो रहा दुनिया में सबको मालूम है। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें एक माँ को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बेटी को कौन कैसे कहाँ टच कर रहा है। ये बच्ची तो भी छोटी है, बच्ची को तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि वो आदमी उसे कैसे टच कर रहा है। ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है कि आपको, क्योंकि गुड टच बैड टच आजकल स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि गुड टच क्या होता है बैड टच क्या होता है, लड़कियों को अलग से पूरी इस चीज की उन लोगों को नॉलेज दी जाती है। तो ये शायद ये बच्ची कभी तक इस चीज सीखी नहीं होगी, और इसकी माँ को तो फुर्सत ही नहीं है अपने किस किस से बात करने से, क्या बोले अब इसके बारे में। ये तो वो तो मैडम कंटिन्यूसली उस पर चल रही थी, लाइव चल रही थी, तो ना जाने किस किस से बातें हो रही थी उनकी, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची के साथ वो आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि गलत है। जब हम जैसे लोगों को अपने, कितने लोगों ने वीडियोज बनाए हैं उसके ऊपर कि ये चीजें दूसरों को, दूसरी औरतों को समझ में आ गई, उस औरत को समझ में नहीं आई। थोड़ा सा है ना, इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलो, अपने बच्चों पर भी ध्यान दो। बच्चे लेकर तो तुम आ गई हो यहाँ पर, लेकिन बच्चों को पालना बहुत कठिन है, अपने में ही मत लगी रहो। और बेटी, खासतौर से बेटियां, बेटे तो चलो पल ही जाते हैं, बेटियों पे कितना कुछ ध्यान देना होता है ये एक बेटी की माँ से ही आप लोग पूछ सकते हो। और जबकि आप तो दूसरों के घर में रह रही हो, दूसरे देश में रह रही हो, तो यहाँ तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दो, लेकिन आप आई इसके लिए तो हो नहीं हो, ये दुनिया को मालूम है, आप सिर्फ अपने रंग रलिया रास के लिए यहाँ पर आई हो, और किसी चीज के लिए नहीं आई हो आप यहाँ पर। तो थोड़ा सा बेटी पर बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपकी बेटी को कौन कैसे टच कर रहा है। ठीक है, आप कहती हो वो तो बाप है, ये है, ठीक है, बाप की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, हर रिश्ते की, बाप बेटी के रिश्ते की, बाप बेटे के रिश्ते, हर रिश्ते की मर्यादा होती है। यहाँ मर्यादा टोटल भंग करती हुई दिख रहा है, बच्ची बड़ी हो गई, कोई 1-2 साल की बच्ची नहीं है कि जो आप उसे गोदी में बिठा के लगातार उचकाए जा रहे हो, वो भी इतने गंदे तरीके से। ये दुनिया को समझ में आता है, ये शायद इस औरत को नहीं आता है समझ में, तभी तो ये अपने में ही लगी हुई है, अपने ही, अरे वो उसका बाप यदि उसको मांग रहा है अपने बच्चों को तो उसको दे दो ना, तुमसे नहीं पल रहे हैं, तुम अपनी दोस्ती यारी में अपने ही रंग रलियों में लगी हुई हो, तो उसके सगे बाप को उनको लौटा दो, फिर जो दिखाए करो, बच्चे उसके बाप तक पहुंच जाएंगे, वहां वो महफूज होंगे अच्छे से, क्योंकि सगा बाप है वो उसका, यहां कौन ने जाना, क्योंकि मर्यादाएं तो यहां दिख नहीं रही ना, मर्यादाएं भंग हो रही है। ऐसा नहीं है, कितने ऐसे हैं कि चलो भैया बच्चियों को अपना लेते हैं, सब कुछ है बच्चों को, लेकिन एक मर्यादा के साथ सब कुछ चलता है, यहाँ मर्यादा नहीं दिख रही है, अलग से दिख रहा है कि ये हो क्या रहा था, कितने गंदे मूवमेंट दिख रहे थे वो, इसकी माँ को नहीं दिखे, माँ की आंखें फूट गई। थोड़ा सा आंखें खोलो अपनी, अपने में ही मत लगी रहो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, खास तौर पर बेटी पर ध्यान दो। बेटियों को कैसे पाला जाता शायद ये अभी आपने सीखा ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो शुरू से ही आप क्या कर रही हो ये दुनिया को मालूम है।
दोस्तों इसके बारे में और क्या बोले हैं। और हाँ, ये दिखावा ये औरत इतना करती है, इतना करती है कि कल संकट चौथ थी, सबको मालूम है तिल चौथ थी। कितना यार ढंग से टीका लगाना तुम्हें आ नहीं रहा, कुछ करना तुम्हें आ नहीं रहा, तुम इतना हर चीज का वीडियो बनाना जरूरी है? यदि कोई आज हम लोगों ने भी पूजा करी, हर चीज का वीडियो बनाते हैं क्या तुम? ये चीजें जो दिखा रही हो, राम जी की पूजा कर रही हो, कृष्ण जी की कर रही हो, हर उस पे कर रही हो, दिए लगा रही, सब तो आप दिखा रही हो, आप शो ऑफ कर रही हो। हम लोगों ने भी किया, हम लोगों ने शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि हम अपनी भक्ति का शो ऑफ नहीं करते हैं। बैठ के आप शो ऑफ कर रही हो, बैठ के आप दिखा रही हो, अरे हमने हिंदू धर्म बहुत अच्छे से अपना लिया है, हमने ऐसा कर लिया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ये चीज आप ध्यान रखिए, सनातन धर्म आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो दिखावा कर रही हो बहुत अच्छे से कि हमने तिल चौथ मनाई, तिल चौथ का मीनिंग मालूम है? मालूम तो कुछ है नहीं, क्योंकि दिखावा हो रहा है यहाँ पर। अपनी सासू माँ से पूछ लो, बबीता जी से। ये औरत सिर्फ यहाँ हर त्योहार का दिखावा करती है और कुछ नहीं, ताकि हिंदुस्तानी जो कुछ एक हिंदुस्तानी है जो इसके फेवर में बोलने लगे, उन्हें ये शर्म नहीं आती कि आप कर क्या रहे हो, एक ऐसे औरत का साथ दे रहे हो जो भागकर आई हुई है, जो हमारे देश की नहीं है, जबरदस्ती हमारे देश में घुसी हुई है, जिसे अभी तक नागरिकता भी प्राप्त नहीं हुई है, आप ऐसी औरत का साथ दे रहे हो? थोड़ा सा दिमाग से काम लो। कितने लोगों के कॉमेंट में पढ़ती हूँ, उसमें कितना कुछ लोग लिखते हैं, तो उनकी मुझे लग रहा है सिर्फ आंखें फूटी हैं और कुछ नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है आप किसका साथ दे रहे हो। ये हनुमान चालीसा आपकी किताबें बांट रही है, सब कुछ कर रही है, तो इससे क्या ये सनातन धर्म इसको अपना लेगा क्या? ये पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गई क्या? भक्ति में जो लीन रहता है ना, वो यहाँ वीडियो बनाने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है, वो दिखावा नहीं करता है, वो अपनी भक्ति में लीन होता है, वो फिर कैमरा लेके नहीं बैठेगा सामने। ये हर एक चीज को दिखाती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं आज ऐसा कर रही हूँ, आज मैंने भगवा। और क्या रूप धारण करती है इस औरत को, कितना टाइम होता है रूप धारण करने का, गजब यार, सच में गजब, हैट्स ऑफ। तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत नहीं देखी, जो अपने देश की सगी नहीं हुई, वो हमारे देश की, हमारे धर्म की क्या सगी होगी? जो अपने धर्म की सगी नहीं, जिस धर्म में तुम पैदा हुई, जिस जगह तुम पैदा हुई, वहां जहां का तुमने नमक खाया, वहां की नहीं हो तुम। तो आज तुम हमारे तीज त्योहार तुम शो ऑफ करके जो दिखा रही हो, उसकी सगी होगी तुम? कभी नहीं। जो इंसान अपनों का सगा नहीं होता, वो दूसरों का कभी नहीं हो सकता। जहां हम पैदा हुए हैं, जहां का हमने नमक खाया है, जहां जिन लोगों के साथ हम पले बड़े हैं, आज आप उनको बुरा बोल रही हो, उनको घटिया बोल रही हो, जिनसे आपको बच्चे हुए आप उसको घटिया बोल रही हो, तो समझ सकते हैं कि आपके पास यदि और बेटर ऑप्शन मिलता है तो आपके लिए ये सारी लोग भी घटिया हो जाएंगे फिर।